हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का आपको थोड़ा सा जो घर का व्यू है थोड़ा डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि हम हैं चाचा जी के घर पर। और पीछे कौन है? नित्या, मेरी सबसे छोटी फैन। हेलो नित्या, ये देखिए बुआ के ब्लॉग, ये सबसे छोटी फैन है। अभी थोड़ा सा मूड ऑफ है, गुस्से में है। इनकी ना लड़ाई हो गई है डॉल और इसकी। इनमें प्यार भी बहुत है और लड़ते भी बहुत है। एक दूसरे के बिना रहना भी नहीं है और लड़ना भी है, दोनों चीज मैनेज होती है इनकी। तो देख सकते हैं। और गाइज, आज का कल का व्लॉग अपलोड हो चुका है, प्लीज जल्दी जल्दी जाइएगा देखिएगा व्लॉग, कैसा लगा है बताइएगा व्लॉग। और वो व्लॉग में कुछ स्पेशल चीजें हैं जो कि एडिट हुई हैं हमारे पुनीत जी के वजह से, इन्होंने ये वाला व्लॉग एडिट किया। तो मैं चाहती हूँ इसमें कम से कम 20,000 से ऊपर व्यूज आने चाहिए यार, कम से कम इतना तो होना चाहिए क्योंकि मेहनत हुई है बहुत, तो इतना तो बनता है। तो आज हम आपको चाचा जी के घर का थोड़ा सा लुक दिखाते हैं कि कैसा है कैसा नहीं। चलिए बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो गाइज अभी हम आ गए हैं मम्मी के घर पर। मम्मी के घर पे हमारा काका, देखो छोए छोए कर रहा है, देख लो हमारा काका। ये देखो पापा की गोदी में छोटी सी बहू हमारी, ये तो सोता ही रहता है, ऊपर का फेस नहीं दिख रहा था, ये सोता ही रहता है। तीन दिन हमारी सोती रहती है। जो देखो अभी नहीं सोया नहीं था, मतलब मेरे साथ खेला भी आज, उससे पहले वो मैं शूट नहीं किया मैंने, बट खेल रहा था, अभी सो गया। शाम का टाइम उसका सोने का होता है। तो गाइज अभी हम निकल रहे हैं वापस डेराबस्सी के लिए, तो अराउंड हम पहुंचेंगे आई थिंक 8 बज जाएंगे हमको, तो आगे का आपको दिखाएंगे। रास्ते का भी थोड़ा सा शूट करूंगी वीडियो जो अच्छा लगा तो। और दूसरा हम जैसे जाएंगे आज 15 सेक्टर की मार्केट, तो ये तो बस ही कहते हैं पता नहीं, ले जाना मेरा काम। तू वैसे सो ही रहे हो यार आप कल से? हाँ, जैसे कि नेहा ने भी बोला कि दीदी वहाँ के मोमोज खा के आना, यही सेम बात मुझे शिवानी ने भी बोली कि दीदी वहाँ के मोमोज खा के आना, कुछ ऐसे है झिल्ली मोमो आए थे। अच्छा थुप्पा भी कहेंगे, तो हम सारा कुछ खा के आएंगे, तो आपको रिव्यू जरूर देंगे वहाँ का कि आपका क्या खाए क्या ना खाए। तो गाइस फिर मिलते हैं 15 सेक्टर की मार्केट में, उससे पहले बीच में अगर मिलते रहेंगे आप लोगों से, तो अभी हम बस निकल रहे हैं। तो गाइज़ अभी हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, क्योंकि जैसे कि पहले हो रहा था वापस जाने का डेराबस्सी, तो मम्मी ने रोक लिया, बोला एक दिन के लिए आए हो, कल भी लेट आए थे, तो अभी बच्चों की छुट्टियां ही हैं, एक दिन रुक जाओ, कल मॉर्निंग में निकल जाना। तो गाइज़ फिर मतलब मम्मी का रोकने के उस पर हम रुक गए, तो अभी जस्ट देखते हैं। फिर मैंने सोचा कि यहाँ का थोड़ा सा आप लोगों को आज हम अपने घर का जो एरिया है वो दिखाते हैं। तो अभी जस्ट हम जा रहे हैं वहाँ पर, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर सब्जी लगती है, मंडी लगती है पूरी, तो वो भी कैप्चर हो जाएगा कैमरे में। और उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पर एक मॉल खुला है नया, तो वो मैंने भी नहीं देखा है अभी, फर्स्ट टाइम है, क्या है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं,
तो वो आपको व्लॉग में जरूर दिखाऊंगी। तो नया ही बना है अभी, जस्ट पता नहीं बना है कि अभी बन रहा है, तो बहुत सुना है कि बहुत अच्छा बना है। तो अभी पहले हम वहाँ पर चलते हैं और उसके बाद फिर मॉल में जाएंगे और वहाँ का वीडियो शूट करेंगे। तो चलते हैं वहाँ पर। तो ये है हमारे जो वर्कशॉप की मार्केट है पूरी, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी खुली हुई है क्योंकि फेस्टिवल्स का टाइम है, तो अभी 9 बजे तक ऑलमोस्ट खुली होती है मार्केट्स वगैरह। और जैसे कि ये है पूरी वर्कशॉप की मार्केट। तो गाइस यहाँ पर हम पहले भी आए हैं, जैसे हम बच्चों के साथ आते थे जब रामलीला देखने के लिए, तो मैंने तब यहाँ का एरिया जो है शुरू किया हुआ वो रेलवे ग्राउंड है यहाँ पर, जहाँ पर रामलीला भी होती है। दशहरा ग्राउंड का भी आया था ब्लॉग मेरा, दशहरा ग्राउंड में आया था। अभी क्या क्या है, सब्जी क्या है आपके पास? सब्जी क्या है? साग मेथी। साग है भैया, मेथी बस यही है। मटर कैसे दिए हैं? हम आए हैं कहाँ पर, मैक्स के उसमें ब्रांड में, तो वो जा रहे हैं जेंट्स सेक्शन में, तो देखते हैं अभी ये क्या ले रहे हैं। अभी अच्छा बना है, वी जस्ट आए हैं। KFC हो चुका है, तो